हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप जो है समाजवादी स्मार्टफोन के लिए जो है अपना जो है फॉर्म रजिस्टर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि इस समय जो है उत्तर प्रदेश में जो है स्मार्टफोन के लिए जो है आवेदन किए जा रहे हैं। तो ये वेबसाइट है samajwadi.sp.in के नाम से। तो यहाँ पर आप पंजीकरण कर सकते हैं इसके लिए। तो ये पंजीकरण कैसे किया जा सकता है, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको samajwadi.sp.in पर आना पड़ेगा। आपको यहाँ से आप जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको पंजीकरण करें का लिंक मिलेगा। तो यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए। तो क्लिक करने के बाद जो है आपका करीबन करीबन पेज इस तरीके से खुलेगा। तो यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा। तो नाम यहाँ पे आप डाल लीजिए जो भी आपका नाम है, और उसके बाद मिडिल नेम भी मैंने डाल लिया फटाफट। उसके बाद लास्ट नेम डालना होता है, तो लास्ट नेम डाल लीजिए। ओके, उसके बाद अपना जेंडर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ भर दीजिए यहाँ पे। तो मैं भी भर लेता हूँ यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ। तो डन। और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर यूज़ कर सकते हैं कोई भी, लेकिन जो भी आप मोबाइल नंबर यूज़ करेंगे उसे कम से कम आप जो है 5 बार से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। और यहाँ पे अपना फादर का नेम भर लीजिए, डिटेल आपको सही भरनी है। और आपकी फैमिली में जितने मेंबर हैं आप उन सब के नाम से ही भर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना जनपद कोड उसके बाद चूज़ कर लीजिए। तो अगर आप स्मार्टफोन चाहते हैं तो इसके लिए आपको यूपी का होना एलिजिबल होना पड़ेगा, क्योंकि जब अगर आप यूपी के नहीं हैं तो फिर आपको मिल नहीं पाएगा। तो ये भर लिया मैंने, और यहाँ पे आपको दिखाएगा VLE कोड, तो ये आपको भरना नहीं है। उसके बाद आपको दिखाएगा यहाँ पे 57 कोड, तो आपको ये कोड डाल देना है यहाँ पे। तो जो भी कोड है 1328। ओके, मैंने डन कर लिया। और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का देगा, जैसे कि आवेदक के चित्र में दिखाने वाले 57 कोड के आगे पुष्टि करें, और मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी वार्षिक आय वगैरह वगैरह ये 57 देगा, आई एग्री विथ जैसा। ठीक है, तो आप इसको भर लेना है आपको। और यहाँ पे आपको दिखाएगा कुछ चीज़ें कि कृपया ध्यान दें सबमिट बटन के लिए, सुनिश्चित करने के पूर्व करने के बाद जो है कोई भी एडिट नहीं हो पाएगा। और नंबर वगैरह इस तरीके से आपको ये देगा। एक मोबाइल नंबर का प्रयोग एकदम 5 बार से टिक नहीं किया जा सकता इस तरीके। और यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। आप जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये आपका सबमिट हो जाएगा इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे आपको एक मैसेज प्राप्त हो जाएगा कि अधिकतम 10 मिनट के अंदर SMS प्राप्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक मैसेज भी आ गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका जो है पूरी तरीके से लॉगिन हो जाएगा। और आपने ये भर दिया है, आपका पूरी तरीके से सबमिट हो गया। तो मैं आपको मैसेज भी दिखा देता हूँ कि मैसेज जो है मेरे पास क्या आया है। तो मैसेज दिखा देता हूँ। हाँ, देवेंद्र स्मार्टफोन योजना में आपकी ID ये है। तो इस तरीके का ये मेरे पास मैसेज आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप भी इस तरीके से इसको भर दीजिए और इसका लाभ उठाइए। तो उसके जब फ्रेंड आपके पास जब ये आपके पास मैसेज आ जाएगा, उसमें आपका ID और पासवर्ड होगा, तो आपको यहाँ आके लॉगिन करना पड़ेगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद जो है आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पंजीकरण स्थिति देखने के लिए, लॉग आउट करने के लिए, तो आप मैंने यहाँ पे कर लिया था, वैसे भी वेलकम देवेंद दिखा रहा है। तो आप एक बार लॉगिन कर लीजिएगा। तो लॉगिन करने के बाद जो है आपका जो है जो पंजीकरण है वो पूरी तरीके से वो हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आप यहाँ से अपना जो है अगर चाहें तो यहाँ पे वगैरह जो है अपना डिटेल वगैरह भी बाकी सब भर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और बाकी डिटेल भी आप फिलअप कर लीजिएगा। इस तरीके की पूरी तरीके की डिटेल आप भर लीजिएगा, तो इससे आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।